अब बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार संसद में नीट से जुड़े तमाम मुद्दों पर संसद में जवाब देने के लिए तैयार है। अगर विपक्षी दल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान नीट का मुद्दा उठाते हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हस्तक्षेप करेंगे और सवालों का जवाब भी देंगे। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से सरकार पर हमलावर है। सरकार भी अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरत रही है। पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार कह चुकी है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार फैसला लिया जाएगा। सभी की निगाहें जो है वो अब 8 जुलाई पर टिकी हुई हैं। 8 जुलाई को एनटीए को अपना जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ये कहा था कि 8 जुलाई को जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेपर में स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए गए, 720 में से 720 अंक 67 छात्रों के कैसे आए और साथ ही 718 और 719 अंक का क्या लॉजिक है, ये तमाम सवाल पहले ही कोर्ट की तरफ से रखे जा चुके हैं। अब एनटीए को अपना जवाब 8 जुलाई को दाखिल करना है। और इसके साथ ही शिक्षा विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दा उठा रहा है। पेपर लीक को एक सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। परीक्षा एडमिशन के लिए हो, परीक्षा जॉब के लिए हो, परीक्षाओं का संबंध सीधे तौर पर लाखों युवाओं के जीवन से जुड़ा होता है। अपने जीवन में बेहतर और बड़े बदलाव के लिए लाखों करोड़ों युवा हर साल किसी ना किसी परीक्षा का हिस्सा बनते रहते हैं। उनसे उनका परिवार भी जुड़ा रहता है। पेपर लीक के प्रभावितों का आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। नीट यूजी परीक्षा में ही करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। आज की तारीख में नीट के लाखों छात्र उनके परिजनों को मनोदशा को समझने की कोशिश कीजिए। उनका क्या को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या नीट यूजी की परीक्षा रद्द होगी। सीबीआई जिस रफ्तार से काम कर रही है, बिहार और गुजरात जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जिस तेजी से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पेपर लीक माफियाओं का इंटर स्टेट नेटवर्क सामने आ रहा है। 8 जुलाई की तारीख काफी अहम हो जाती है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट नीट से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करने वाला है। धांधलेबाजी से जुड़े तमाम सवालों को लेकर नीट का जवाब एनटीए का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सभी की निगाहें जो है कि आखिरकार क्या कुछ फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सामने आएगा 8 जुलाई को। इस पर लगभग 24 लाख छात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा से प्रभावित हुए हैं। तेजी से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ में तमाम खुलासे हो रहे हैं। मेन सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो है वो पटना बना हुआ है और दूसरा एपी सेंटर ये कह सकते हैं कि गुजरात का गोधरा सेंटर, जो पूरा का पूरा सेंटर जो है वो मैनेज किया गया, जहां पर बाकायदा झारखंड से बिहार से बच्चे जो हैं वो पेपर देने के लिए आते हैं, दूर दूर अपने सेंटर को चूज करते हैं और वहां पर ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, टीचर आपका आंसर फिल कर देगा। बिहार में स्थितियां ये थी, पटना में स्थितियां ये थी, बाकायदा एक सरकारी गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया जाता है, अभ्यर्थियों को वहां पर रात भर क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो रटवाया जाता है। इस तरह की स्थितियां, तमाम ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनको भी एक तरह से कह सकते हैं कि इस पूरी परीक्षा को लेकर सेटिंग करनी है, उनके सामने 3-4 ऑप्शन रखे जाते हैं। आप पहले एग्जाम के में अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन का आप आंसर छोड़ सकते हैं, टीचर आपका आंसर फिल कर देगा। कई जगह से खबरें इस तरह की भी सामने आई कि लोगों की आंसर शीट जो है वो जो ओएमआर शीट है वो भी फटी हुई मिली, किसी की शीट गायब मिली। अब इस पर सवाल यह है कि क्या इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी एनटीए की नहीं है। एडवोकेट मुरारी तिवारी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली बार काउंसिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी तिवारी जी, 24 लाख छात्रों की नजरें जो हैं वो अब 8 जुलाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जब एनटीए को जवाब दाखिल करना है जो सवाल पूछे गए हैं कोर्ट की तरफ से। आपको क्या लग रहा है, ये मामला कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? और सबसे जरूरी ध्यान में रखने की यह जरूरत है कि 24 लाख छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है,
और वैसे वैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं। और सबसे बड़ी जरूरी की चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर मेजर कहीं लीक का निकल गया मैटर, तो हम बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चा इसमें एक उम्मीद लगा करके अपियर होता है, जो मेरिटोरियस बच्चा है और वो दिन रात तैयारी करके लगता है, तो एक तरीके से विश्वास उसका बहुत कमजोर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारा 8 जुलाई से पहले पहले जो इन्वेस्टिगेशन की एक सिचुएशन रहेगी, ये भी कंसिडरेशन में आएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर कहीं रैम्पेंट अगर निकला कि अगर ये पेपर लीक हुआ और बहुत लार्जली बच्चे अफेक्टेड हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर करेगा। और मैटर सब जुडिशियल, मैं इसलिए ज़्यादा उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो डेली निकल के आ रहा है मैटर। और एक चीज़ और आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ कि वकालत के बहुत शुरुआत दिनों से, करीब 35 साल से वकालत में हूँ मैं, पहले भी ये इन पेपरों में ऐसे ही होता था कि कैंडिडेट की जगह कोई और बैठता था और कोई और अपीयर होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा है कि नकल का तरीका भी काफी इवॉल्व हुआ है। और अभी जिस हिसाब से चीजें निकल के आ रही हैं, उन चीजों पर तो रिस्ट्रिक्शन हो गया। मेरे अपनी बच्ची खुद अपीयर हुई इसमें नीट में, करीब 5 साल पहले पहली बार नीट में, तो चीजें तो काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जिस हिसाब से ये घोटाला हो रहा है, और ये एजेंसी की कहीं ना कहीं हम इसको मान के चलते हैं कि फेल्योर है। और एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक एजेंसी का कोई बहुत मेजर धड़ा और जो बहुत ही कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्डर, जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन तिवारी जी समझने की ये भी जरूरत है, सबकी नजरें 8 जुलाई को लेकर कोर्ट के फैसले पर तो टिकी हुई हैं, लेकिन सीबीआई जितनी तेजी के साथ जांच कर रही है, जो दस्तावेज पटना से सामने निकल कर आते हैं, गोधरा से जो चीज़ें नजर आती हैं, जहां का पूरा पूरा सेंटर जो है वो मैनेज किया जाता है, दूर दराज से बच्चे वहां पर एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि पूरे सेंटर में इसी तरह के बच्चे बिठाए गए थे जिन्होंने या तो पैसे दिए, 2 करोड़ से ज़्यादा के वहां से चेक मिलते हैं, ये सारी चीज़ें क्या NTA को नजर नहीं आ रही हैं? और दूसरा मैं इसमें यह भी जोड़ देती हूँ कि सिविल इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं और IAS ऑफिसर्स हैं, इस तरह के एग्जाम में क्या धांधली होनी चाहिए? 0% भी अगर किसी तरह का कोई शक हो, तो कम से कम इसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप फ्यूचर में देश को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, इसमें जो एजुकेशन माफिया है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, और जो मेडिकल के जो कॉलेजेस हैं उनके फीस इतने ज्यादा हैं, इस वजह से ये बच्चे भी मजबूर होते हैं। इसमें अगर हमें सोचने की जरूरत है, ये जो प्राइवेट मेडिकल जो माफिया, एजुकेशन माफिया, उनके फीस पर रेगुलेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिले कॉलेजेस में, तो मुझे लगता है कि इसका जो क्रेज़ है, ये जो खरीद फरोख करने का, और ये जो ब्लैकमेलर हैं, जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, ये एक्सटॉर्शन भी नहीं कर पाएंगे। और आपको बताऊं, मैं बिना नीट के, बिना NTA के जो कोई ना कोई मेजर धड़ा मिले, तब तक ये काम नहीं हो सकता। जिस हिसाब से आराम से पेपर निकल रहे हैं, ये तो किसी के बस का था ही नहीं, लेकिन CBI वो भी एंगल देखेगी कि उस एजेंसी में भी कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व है। और 8 से पहले ही मुझे लगता है कि पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ऐसा निकला, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट मजबूर होगी और देखेगी कि क्या पूरा पेपर कैंसिल करें, क्योंकि पूरा पेपर कैंसिल करने से भी बहुत नुकसान होगा, गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा, बच्चों का कैरियर है। लेकिन आप गवर्नमेंट का नुकसान, मुझे लगता है मुरारी तिवारी जी, उतना बड़ा नहीं होगा जितना 24 लाख बच्चों के भविष्य का, जो सीरियसली कई सालों से, जिनका हो सकता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट था नीट एग्जाम का, वो एग्जाम देने के लिए गए और फिर किसी की OMR शीट गायब हो जाती है, किसी के लिए फटी हुई OMR शीट मिलती है, रिजल्ट नहीं मिलता है, उनके उन बच्चों के भविष्य के साथ ज्यादा बड़ा खिलवाड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ बहुत खतरनाक है। सुरक्षित तरीके से परीक्षा करवाने में पूरा तंत्र का यूं नाकाम होते दिखना सही नहीं है। इससे युवाओं का विश्वास पूरी व्यवस्था से उठ जाएगा। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता। संसद में अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेपर लीक के गंभीर मसले पर चिंता जाहिर की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले, सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं,
इसमें अगर किसी भी वजह से रुकावट आए तो ये उचित नहीं है। इन परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने वक्तव्य में ये साफ किया कि हाल ही में पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, सरकार उनकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति जब पेपर लीक का जिक्र कर रही थी, उस दौरान भी विपक्ष नीट पर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आया। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई फुल एक्शन में है। बहुत तेजी से आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, उनसे पूछताछ जारी है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ईओयू के सबूतों के आधार पर सीबीआई नीट यूजी के परीक्षार्थियों और आरोपियों के फोन लोकेशन की जांच कर रही है। शुरुआत में उनके बीच क्या बातचीत हुई, सीबीआई इसकी तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। जांच एजेंसी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक की घटना होने के 6 महीने पहले आरोपियों की गतिविधि क्या थी, कहां थे, किनसे मिल रहे थे, ये सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जो आरोपी बिहार में गिरफ्तार किए गए उनका राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी से गिरफ्तार आरोपियों से क्या संबंध तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई संबंध तो नहीं है, इसकी भी जांच हो रही है। सीबीआई की इस सारी कवायद का मकसद पेपर लीक के दायरे को समझना है, पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। सीबीआई की टीमें बिहार और गुजरात में जांच में जुटी हैं, पटना में पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीबीआई की 2 टीम नालंदा और समस्तीपुर में है, वहीं 1 टीम हजारीबाग पहुंची हुई है। सीबीआई ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल सहित कुल 8 लोगों से पूछताछ कर रही है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना से पहली गिरफ्तारी की। उन 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, मनीष, जिसकी तलाश पटना पुलिस काफी समय से कर रही थी, मनीष, प्रकाश और आशुतोष पटना पेपर लीक के अहम कड़ी थे। यही वो 2 लोग थे जिन्होंने लर्न प्ले स्कूल को अरेंज किया, जहां परीक्षा के 1 दिन पहले छात्रों को इकट्ठा किया गया, उन्हें पेपर रटवाया गया। इंडिया न्यूज ने अपनी पड़ताल में यह बड़ा खुलासा बहुत पहले कर दिया था। आशुतोष इंडिया न्यूज के सामने अपनी भूमिका के बारे में बता चुका है, कैसे उसने मनीष के कहने पर छात्रों के ठहरने का पूरा प्रबंध किया। मनीष जो है वो फिलहाल फरार चल रहा है। पेपर लीक मामले की सीबीआई काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है कि आशुतोष कुमार, जो लर्न प्ले स्कूल में बतौर किरायेदार रहता है, उसकी गिरफ्तारी सीबीआई ने कर ली है। इसके अलावा मनीष प्रकाश, वो शख्स जिसने 4 मई की रात कई सारे परीक्षार्थियों को लर्न प्ले स्कूल बिल्डिंग में ठहराया था, उसकी भूमिका लगातार सवालों के दायरे में थी, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इंडिया न्यूज, पहला चैनल जिसने सबसे पहले बताया था कि आखिर इन दोनों से
ईओयू ने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया या पटना पुलिस ने क्यों नहीं पूछताछ की। अब देखिए कि सीबीआई ने इन पर शिकंजा कसते हुए इनकी गिरफ्तारी कर ली है और आशुतोष कुमार से एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज की टीम ने बातचीत भी की थी और उस समय उसने बड़े ही लंबे चौड़े दावे किए थे। उसने साफ तौर पर कहा था कि वो कानून का वो सहयोग करेगा, पूछताछ में वो सहयोग करेगा, लेकिन अब देखिए कि सीबीआई की टीम ने उसे अरेस्ट कर लिया है और जो सोर्सेज हैं हमारे उनका साफ तौर पर कहना है कि इन दोनों से सीबीआई को काफी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है और इन जानकारियों को आधार बनाकर अब सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे लीड करेगी। तो बहुत तेजी से सीबीआई पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। आज देखिए कि इसमें अपडेट यह भी है कि 4 जुलाई तक जो दो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई थी यानी चिंटू और मुकेश, आज उनकी मेडिकल जांच कराई गई। और देखिए ठीक मेरे सामने पटना में सीबीआई का ऑफिस है और यहाँ पर उनसे पूछताछ की गई है और काफी अहम जानकारी मिली है और ये और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जयेश सोनी गुजरात से जुड़े हैं, शक्ति कुमार पटना से लाइव हैं, जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयेश मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि गुजरात का गोधरा जहां पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है, जांच में अभी तक क्या सामने निकल कर आया और गुजरात से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? गुजरात में शुरुआत में जो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी वो 5 आरोपियों के अलावा और किसी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सीबीआई है उसने गुजरात पुलिस से सारी जो केस हिस्ट्री है वो सारी ले ली है और वो अपने हिसाब से अभी जांच आगे बढ़ा रही है। सीबीआई ने कल जो दो आरोपियों के निवास और उसके दफ्तर में जाके जांच की थी बड़ौदा के अंदर। इसके अलावा 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्थानीय लेवल पर यहां पर एग्जाम देने के लिए आए थे, स्थानिक थे, गुजराती थे, उनसे भी पूछताछ की है ऐसी जानकारी जो सीबीआई के सूत्रों से के हवाले से मिल रही है। इसके अलावा जो 2 सेंटर थे जहां पर ये एग्जाम हुए थे उस एग्जाम सेंटर पर भी जाके सीबीआई की टीम ने वहां पर मौजूद जो स्टाफ था उस दिन एग्जाम के दिन उनसे पूछताछ किए, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अभी जांच जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बड़ौदा से लेकर महसाना और गोधरा तक ये जांच के जो दायरा है वो बढ़ चुका है। आने वाले दिनों में किसी बड़े खुलासे की भी अपेक्षा की जा रही है। सीबीआई फिलहाल कुछ भी अभी अपनी जांच के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, मीडिया से किसी भी तरह की बात नहीं हो रही है। लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि सीबीआई आने वाले समय में बड़ा खुलासा कर सकती है जिसमें ये हो सकता है कि कोई बड़ा लिंक इसके अंदर इन्वॉल्व हो और उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए जयेश आपके पास आएंगे, जावेद हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। जावेद दिल्ली से क्या जानकारी है क्योंकि दिल्ली में ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और अब सियासत भी इस मामले को लेकर खूब हो रही है और ये बाकायदा कहा भी गया है सत्ता पक्ष से कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाता है तो सरकार इस पर बात करने के लिए जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए ये जो पूरा मामला है जिस तरीके से नीट और यूजी एग्जाम के स्कैम को लेकर अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जो पूरा बवाल है अब दिल्ली की सड़क से अगर हम बात करें तो ये संसद तक पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल रंग कहीं ना कहीं लेता जा रहा है। अगर हम आज की अगर इंसिडेंट करें, अगर दिल्ली की हम बात करें इसी नीट यूजी स्कैम से जुड़े मामले को, तो दिल्ली के ओखला फेज 1 इलाके में एनटीए का ऑफिस है जहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप है कि वो लोग वहां पर पहुंचे और एनटीए के दफ्तर के बाहर उन्होंने ताला लगा दिया और वहां पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन वहां पे दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी पहुंचते हैं मौके पे जब तक ये प्रदर्शन खत्म हो चुका था। और उसके बाद वहां पर जो एक डिस्प्ले होता है एनटीए के ऑफिस के बाहर तमाम ऑफिस के डिस्प्ले को लेकर उसे भी हटा दिया गया था। यही अब सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार उनका जो एक्शन ऑफ लाइन है इन्वेस्टिगेशन वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और उन्होंने बिहार में पटना में आशुतोष और मनीष प्रकाश नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक सेंटर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, लर्न प्ले स्कूल जो कि पटना में है, उसके साथ वहां पर कैंडिडेट को बुलाने का जो जिम्मा था वो मनीष प्रकाश का था और आशुतोष इस पूरे प्रिपरेशन को करा रहा था। यानी कि ये वही क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट है
जो जांच में ईओयू को शुरुआत में जले हुए मिले थे और जिसका तार झारखंड के हजारीबाग में देखा गया था, जो क्वेश्चन पेपर रांची से हजारीबाग आना था लेकिन वो एसबीआई के ऑफिस तक नहीं पहुंचा और वहां पर वो उससे 1.5 किलोमीटर पहले ही एक ब्लू डार्ट नूतन नगर के पास पहुंचा, तो ये पेपर वहां से लीक हुआ। शुरुआत से ही जो एजेंसीज है वो ये मान रही है कि बिहार और झारखंड में। शक्ति भी पटना से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शक्ति, पेपर लीक कहां से हुआ, क्योंकि कल सीबीआई की टीम जो है वो ब्लू डार्ट के ऑफिस भी पहुंची थी और जानकारी मिली कि वहां पर ताला लगा हुआ है। कितने करीब है इस जांच में सीबीआई की टीम, क्योंकि बहुत सारी चीजें, 24 लाख छात्रों का भविष्य इस पर डिपेंड करता है और दूसरा उसी के आधार पर एनटीए का जवाब होगा और उसी आधार पर कोर्ट इस पूरे मामले को देखेगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जांच चल रही है उसमें जो निकल के सामने आ रहा है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें ये जो हजारीबाग का जो ओएसएस स्कूल है वहाँ से उस जो क्वेश्चन आउट की जो बात है ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आगे सामने आ रही है और ये पुख्ता होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन हजारीबाग के सेंटर पर ओएसएस स्कूल में जिस तरह से प्रिंसिपल की जो पूरी भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, क्योंकि जब जो एंसर सीट है जो जला हुआ सीट जो मिला था पटना में उसके जो सीट के जो नंबर है वो कहीं ना कहीं हजारीबाग के वैसे स्कूल से बुकलेट जो प्राप्त हुआ था उसके नंबर है और ये दोनों को लेकर अब जांच सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वैसे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वहाँ के स्टाफ हैं, जो उस दिन ड्यूटी पर टीचर्स थे गार्डिंग में, उन तमाम को लेकर 2 दिन से लगातार सीबीआई की टीम जो है हजारीबाग में जांच कर रही है। और दूसरी तरफ पटना में मनीष और आशुतोष की आज पहली गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा हुई है और आपको बताएं कि जो ईओयू ने जो चिंटू और मुकेश को गिरफ्तार किया था उन दोनों को आज जो है सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है और उससे पूछताछ करेगी। तमाम सूत्र बता रहे हैं, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर नजर रखिएगा। अब बात करेंगे पटना में सीबीआई की टीम फुल एक्शन में है। सीबीआई ने चिंटू और मुकेश को रिमांड पर ले लिया है। बेउर जेल से दोनों आरोपी को मेडिकल जांच के लिए एलएनजेपी अस्पताल लेकर गई। इस दौरान इंडिया न्यूज की टीम लगातार सीबीआई को फॉलो करती रही। सीबीआई की टीम ने चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लिया है और अभी अस्पताल लाया गया। आप देखिए तस्वीरों में ये दोनों का जो है मेडिकल जांच के लिए जो है सीबीआई की टीम पहुंची है और यहां पर मेडिकल जांच हो रहा है दोनों का। सबसे पहले जो अधिकारी सीबीआई के वो यहां लेकर